गूगल पे से अब मिलेगा गोल्ड लोन। नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक इवेंट के दौरान गूगल ने मुठूत फाइनेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत गूगल पे के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन उपलब्ध होगा। इसके साथ ही गूगल ने AI स्किल हाउस भी लॉन्च किया, जिससे कई तरह की सेवाएँ भारत के 8 अलग अलग भाषाओं में प्रदान की जाएगी। अनसिक्योर्ड लोन की NPA दर में वृद्धि। वर्ष 2022 से 23 में 67% और 23 से 24 में 42% की वृद्धि देखी गई है। बैंकों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर फिनटेक कंपनियों ने बढ़ते लोन डिफॉल्ट के चलते जोखिम बढ़ता जा रहा है। महिंद्रा ने छोटे इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहन खंड में प्रवेश किया। कंपनी ने इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन जियो पेश किया है, जिसकी कीमत 7.52 लाख रुपए से शुरू होती है। मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने जेफ बेजोस को संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मेटावर्स और AI पर किए गए निवेश की सफलता से जुकरबर्ग की संपत्ति $206.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है। वेदांता लिमिटेड ने जुलाई से सितंबर तिमाही में एल्यूमिनियम और जस्ता उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। हालांकि इस्पात और तेल गैस उत्पादन में कमी भी देखी गई है। एल्यूमिनियम उत्पादन में 3% की वृद्धि हुई है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड का शेयर 15% से अधिक बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध हुआ। इसका निर्गम मूल्य 168 रुपये था, जो 203.17 रुपये तक पहुँच गया है। अगले 5 साल में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों से आम आदमी के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि होगी। देश के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को MCX पर सोना 168 रुपये की बढ़त के साथ 75,687 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी महंगी हो गई है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 83.96 पर स्थिर रहा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर रुख के कारण रुपये में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। नई दिल्ली में बैटरी शो इंडिया में नई तकनीकें प्रदर्शित की गई, जो इलेक्ट्रिक वाहन को की बैटरी को सस्ता बनाएगी। भारत में लिथियम आयन बैटरी के स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के साथ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे अगले 7 सालों में तिलहन उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।